अलीगढ़ पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए जगह जगह से बिजली का तार चोरी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी सहायक पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने थाना सिविल लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं अभियुक्त गण की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर अलीगढ़ और सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी नगर तृतीय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन के पर्यवेक्षण में वरिष्ठ उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार व उप निरीक्षक चरण सिंह द्वारा हमराही पुलिस बल सहयोग से गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आमिर पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला थाने के पीछे कस्याबा थाना जवा अलीगढ़, वसीम पुत्र नूर मोहम्मद किरायेदार बाबू खां हमदर्द नगर बी जमालपुर थाना सिविल लाइन, साजिद पुत्र मुख्तियार हुसैन निवासी मोहल्ला कुरैशियान, पवन पुत्र राम सिंह निवासी लोहरा थाना जवा, दीपक पुत्र नाथू राम निवासी थाना जवा सामने डाकघर के पास, इन सभी को मन्नत तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गणों के पास से बिजली चोरी के तार और घटना में प्रयुक्त टेम्पो भी बरामद कर लिया गया है। चोर और चोरियों के रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन प्रहार एक चलाया जा रहा है, उसी में कार्रवाई के क्रम में थाना सिविल लाइन ने एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि कुछ अभियुक्त जो कि सरकारी बिजली के तार जो लगे हुए हों या जो लगने वाले हों उन तारों को काट कर उन्हें चुरा कर और यहाँ सिटी में आकर बेचने का एक तरह से एक गैंग बनाकर एक हमला कर रहे थे, जिसमें कि चोर और कबाड़ी हैं जहाँ वो बेचते थे, इन सभी के गिरोह को पकड़ के इनके सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करके इनमें जो चोरी की बरामद की उसे बरामद कर दी और आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। कहाँ कहाँ से चोरी करते थे? सबसे पहले तो 5 लोग पकड़े गए हैं, 5 अभियुक्त हैं। इन 5 अभियुक्त में से 4 तो थाना जवा क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक जो कबाड़ी है वसीम वो यहाँ जमालपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जो 5 अभियुक्त हैं इनसे जो प्रथम दृष्टि जो जांच हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसमें ये पता चला है कि इन्होंने पिछले एक साल में करीब करीब ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जो कि थाना अकरवाद के जंगलों में, थाना पिसावा के जंगलों में, थाना खैर के जंगलों में इस तरह के जो बिजली के तार जो इन्हें मिलते थे उन्हें काट काट करके यहाँ लाते थे और कबाड़ी में बेचते थे। और जहाँ तक की बरामदगी का सवाल है तो एक 230 किलो 230 kg बिजली के कटे हुए तार सरकारी जो अतीत होते हैं, जो कि इनके पास पाए जाने का कोई औचित्य नहीं होता, वो इनके पास से बरामद हुए हैं। एक ऑटो जिसमें वो ये ट्रांसफर कर रहे थे और एक मोटरसाइकिल जिसका ये अभी तक कोई वैलिड प्रूफ है वो दे नहीं पाए हैं अपनी ओनरशिप। हाँ, अभी तक की प्रथम दृष्टि पूछताछ में से बिजली के तार चोरी होना, काटना, उन्हें लाके कबाड़ी में बेचना और आगे उसे सप्लाई चेन में और आगे बढ़ाना यही पाए। कितने लोग हैं सर और अपराधिक इतिहास इनका किस तरह से? उन्होंने टोटल जो इसका एस्टिमेट है वो हमें तो बिजली विभाग से लेना पड़ेगा, हालांकि वो बेचना में प्रकाश में आएगा। और आप कुल कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ तक ये लोग करते हैं? टोटल इनका 5 लोगों का गैंग था और थाना सिविल लाइन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के गैंग को ग्रैब किया और इन्हें इस वक्त हम जेल भेज रहे हैं। और हमने पास के जितने भी थाने जैसे मैंने बताया अकरवाद जमा और खैर के जंगलों में जो इन्होंने चोरियाँ की उन सभी की पूछताछ और अग्रिम विवेचना में इन सभी को प्रकाश में लाते हुए और बाकी सभी मुकदमे कारण।